हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से इस ब्यूटीफुल प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में बात करने वाली हूं कि मैंने इस प्लांट को प्रोपोगेशन के थ्रू कैसे तैयार किया है, इसकी कटिंग किस तरह से लगाएंगे कि आपके गार्डन में ये प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर होकर तैयार हो जाएगा और आपको नर्सरी से परचेस भी नहीं करना पड़ेगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं कि किस तरह से आप इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट जो है 100% ग्रो हो जाएगा। तो ये एक्लिफा का प्लांट है। एक्लिफा में फ्रेंड बहुत सारी वैरायटी आती है जिनकी लीव्स का कलर और डिज़ाइन अलग होता है। तो ये कॉपर लीफ एक्लिफा का प्लांट है। कुछ इसमें गोल्डन लीफ भी आती हैं जिसका लीफ गोल्डन कलर का होता है, और कुछ प्लांट आते हैं जिनमें ग्रीन एंड येलोइश क्रीमिश कलर की लीफ होती है और उनकी जो लीव्स होती है वो कर्ल होती है, राउंड शेप में होती है, बहुत ही प्यारा लुक देती है। तो वो प्लांट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो ग्रीन एंड क्रीमिश कलर में है, और उसकी कंप्लीट केयर वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। तो आज मैं इस प्लांट के बारे में बात करूंगी कि ये कॉपर लीफ प्लांट को मैंने कैसे प्रोपोगेट किया है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। किसी भी प्लांट की कटिंग आप प्रोपोगेट करते हैं, बस प्रोपोगेशन का तरीका सही होता है तो बहुत ईजिली प्लांट आपके गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हो जाता है। ये एक पेरिनियल प्लांट है फ्रेंड, ऑर्नामेंटल प्लांट है, एक ब्यूटीफुल हाउस प्लांट है और बहुत ही प्रिटी लुक देता है। जितने भी शो प्लांट्स होते हैं उन्हें किसी फ्लावर की नीड नहीं होती क्योंकि उनकी लीव्स का कलर और डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव होता है कि उनमें फ्लावर्स हो चाहे ना हो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत अलग अलग वैरायटी के शो प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करते हैं, लेकिन कुछ शो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स भी खिल के आते हैं, उन्हीं में से ये प्लांट भी है। देखिए फ्रेंड, आप इस प्लांट में ढेर सारे फ्लावर्स देख सकते हैं, हर तरफ से इसमें फूल खिल के आ रहे हैं। तो ये प्लांट फ्लावरिंग भी करता है और साथ में ग्रोथ करता रहता है। तो छोटा सा प्लांट है, देखिए एक सिंगल स्टेम मैंने इसकी लगाई है, यहाँ से देख सकते हैं एक ही स्टेम लगाई थी, उसमें ढेर सारी ब्रांचेस बन के आ गई और अब इसमें ढेर सारे फूल खिले हैं, इतने सारे फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो आप लोगों से शेयर करूं कि एक तो ये शो प्लांट है साथ में फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसे नर्सरी से परचेस ना करें। कहीं पर भी ये प्लांट दिखता है तो आप इसकी एक सिंगल कटिंग लेके आते हैं 3 से 4 इंच 5 इंच की, तो ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। ये एक शो प्लांट तो है फ्रेंड, इसे आप सिंपल पॉट में भी लगाते हैं तो प्यारा सा लुक देता है। अगर आप इसे ग्राउंड पे लगाते हैं तो बहुत तेजी से ग्रोथ करके अच्छी सी हाइट बना लेता है, 3 मीटर्स तक इसकी हाइट हो जाती है और साथ में इस प्लांट की हैज भी बनाई जाती है। इस प्लांट को बॉर्डर के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसकी बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो कई तरह से इसे गार्डन में ऐड किया जा सकता है। तो मैंने भी देखिए एक पॉली बैग में लगाया है, पॉली बैग में ही है और अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है, अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने कैसे प्रिपेयर की। देखिए जब भी आप कटिंग ग्रो करें ना, किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो करें, तो या तो जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग ग्रो कर ले, वो वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है किसी भी कटिंग में रूटिंग होने के लिए और ग्रोथ होने के लिए। उसके बाद अगर उस टाइम को आपने मिस कर दिया है तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में हर तरह के प्लांट की कटिंग बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। तो मैं खुद भी इस तरह से दोनों ही टाइम पे बहुत सारे प्लांट कटिंग से ग्रो करती हूँ। आपने देखा होगा आए दिन मेरे चैनल पे प्लांट प्रोपोगेशन की वीडियो आती रहती है, क्योंकि कुछ ही प्लांट में नर्सरी से परचेस करती हूँ, मैक्सिमम प्लांट में कटिंग से ग्रो करती हूँ, जिससे मेरे पैसे भी बच जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हो जाता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और यही ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप भी नर्सरी से परचेस ना करें, प्लांट को प्रोपोगेशन के थ्रू तैयार करके अपने गार्डन में ऐड करें। तो चलिए इस तरह से आप ही, तो जनवरी फरवरी का महीना निकल चुका है, अभी रेनी सीजन आने वाला है, जून जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय आप इस कॉपर लीफ एक्लिफा के प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। फ्रेंड, इस प्लांट की कटिंग में अपने एक फ्रेंड के वहाँ से लेके आई थी, उनके घर पे ये प्लांट ग्राउंड पे लगा हुआ था, तो उसकी एक कटिंग में लेके आई और इस पॉली बैग में लगा दिया था। देखिए एक बड़ा सा पॉली बैग है और इसमें ये कटिंग मैंने लगाई थी, तो बहुत इजीली ये ग्रो हो गई। जब हम लोग किसी भी तरह की कटिंग लगाते हैं तो उसमें कॉम्पोस्ट की ज़्यादा नीड नहीं होती है, सिंपल गार्डन सॉइल और रिवर सैंड मिक्स करके अगर आप कटिंग लगा देते हैं ना, तो कटिंग में रूटिंग हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही थोड़ी सी प्लांट की इस तरह से ग्रोथ हो जाए तो आप उसमें कॉम्पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद
जब आप किसी भी तरह की कटिंग लगाते हैं तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स पड़े हैं तो आप रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए कटिंग में, तो उसमें कटिंग के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप रूटिंग हार्मोन लगाएंगे तभी भी प्लांट ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल कटिंग लेके आप सॉइल में लगा दीजिए तभी भी कटिंग हो जाती है। अब वाटरिंग और सनलाइट की बात करेंगे क्योंकि उसका मेन रोल होता है। इन दोनों को अगर आपने बैलेंस करके रखा है, सही तरीके से आपने इसको सनलाइट दी, वाटरिंग, तब प्लांट आपका सक्सेसफुली ग्रो हो पाएगा। मेरे तो जितने भी कटिंग होते हैं मैं आपको बताऊं 99% कटिंग मेरी ग्रो हो जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको कैसे ग्रो करेंगे, जब भी कटिंग लगाएंगे ना तो आप इसको सबसे पहले हल्की सी वाटरिंग करेंगे। एक बार वाटरिंग कर देंगे कि जितनी भी सॉइल है वो अच्छे से गीली हो जाए ताकि जो उसमें कटिंग लगी है वो अच्छे से स्टैंड कर ले। उसके बाद उसमें बार बार वाटरिंग नहीं करनी है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ रूटिंग होनी है, इसलिए जो सॉइल है ना वो बार बार ड्राई नहीं होती। यही मेन रीज़न होता है प्लांट के ग्रोथ करने का। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है सनलाइट। सनलाइट का क्या करना, आपको सनलाइट का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले कटिंग लगा के आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखेंगे, ना तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना है ना लो लाइट में रखना है। इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में जो कटिंग होती है उसे सिर्फ सूरज की गर्माहट मिलती है, जिससे कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और न्यू स्प्राउट बन के आने लगते हैं। तो इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में आप किसी भी तरह की कटिंग लगा के रखेंगे और जैसे ही उसमें रूटिंग होगी, ग्रोथ स्टार्ट होगी, इस तरह से कुछ ग्रोथ हो जाएगी ना, इतनी ग्रोथ हो जाए तब आप उस प्लांट को रिपोर्ट कर लेंगे, पॉट में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, तो इस तरह से सॉइल मिक्सचर अच्छा सा लेना है, उसमें रूटिंग हार्मोन लगा के कटिंग लगानी है, लिमिटेड वाटरिंग करनी है, बार बार वाटरिंग नहीं करनी है, और उसके बाद इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में आपको कटिंग लगाने के बाद रखना है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करते हैं तो आप हर तरह की कटिंग अपने गार्डन में बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे चैनल पर अनगिनत प्लांट की प्रोपोगेशन की वीडियो है, आप सर्च करके देखिएगा। सर्च करेंगे ना प्रोपोगेशन तो बहुत सारी वीडियो खुल जाएगी, तो आप देखेंगे कि इन्हीं तरीकों से मैं बहुत सारे प्लांट को कटिंग से ग्रो करती रहती हूँ। तो मुझे यकीन है आप भी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और कई प्लांट की कटिंग ग्रो करके तैयार करेंगे और प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गार्डन में ऐड करेंगे। अगर आपको मेरे इस कॉपर लीफ एक्लीफा प्लांट की प्रोपोगेशन पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है जिससे आपको गार्डनिंग करने में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक में आप लोगों से फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।